Hello, all, welcome to Testbook Super Coaching for Bank Exams. And today we are going to talk about the schemes which are announced in the budget 23 24 by our Finance Minister, uh, Nirmala Sitaramanji. सो so, एक शॉर्ट वीडियो के अंदर हम जितनी भी स्कीम्स अनाउंस कर दी उन सब के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कवर कर लेते ताकि एग्जाम के लिए रिवीजन के लिए आपके लिए काफी मददगार रहेगा ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए बजट से ओरिएंटेड लाए जाएंगे जहां पे वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट सेक्टर्स कि हर सेक्टर के लिए कितना फंड दिया गया वहां पे क्या अनाउंसमेंट की गई उस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाएगा सो so, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपके साथ स्मॉल वीडियोस के थ्रू मैं डिस्कस करूंगा तो आज शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट के साथ और पहला पॉइंट हमारे पास है एंड दैट इज अबाउट दी द स्कीम्स अनाउंस इन बजट ट्वेंटी थ्री

फंड टोटल कितने अमाउंट का होगा यह ओवर द पीरियड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बताया जाएगा पर बेसिकली एग्री स्टार्टअप फंड के अंदर प्रोविजन यही है कि सॉरी एग्री एक्सेलरेटर फंड के अंदर प्रोविजन यही है कि स्टार्टअप रिलेटेड स्टार्टअप को सपोर्ट किया जाए और वो स्टार्टअप रूरल एरिया में बनाया जाए ये मेन फोकस यहाँ पे रहेगा ना इसके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी बनाया था नियर अबाउट वन लाख करोड़ का के वो फंड जो है उसके अंदर भी स्टार्टअप्स को मदद दी जाती है पर इसके अलावा और थोड़ा बूस्ट प्रोवाइड करने के लिए इसे क्रिएट किया गया है ओके okay? चलो तो ये था पहला, पहला योजना दूसरा आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन हॉर्टिकल्चर आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्रोग्राम दैट इज अनादर पॉइंट विच इज हियर उसके बारे में किया गया है, अभी exactly क्या है दो हजार यस दो हजार दो करोड़ यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करने वाली है एंड इस योजना के अंदर इस प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू सपोर्ट डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटेशन मटेरियल फॉर हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स सो यहाँ पे <coughs> हॉर्टिकल्चर मींस फ्लावर्स की फ्रूट्स की बात हो रही है सो क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए हाई क्वालिटी जो सिस्टम या जो मटेरियल चाहिए फॉर हॉर्टिकल्चर वो प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे अमाउंट मेंशन किया गया है 2200 करोड़ एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पॉइंट हमारे लिए मैटर करेगा ठीक है चलो गाइस तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ जाएंगे गवर्नमेंट ने, ने की हुई है लेट्स टॉक अबाउट दबस्कीम सो 6000 थाउजेंड करोड़ के इन्वेस्टमेंट का डिस्कशन गवर्नमेंट ने किया और यह सबस्कीम फोकस कर रही है फिशरमैन फिश वेंडर्स माइक्रोस्मॉल इंटरप्राइजेस उनकी इम जो वैल्यू चेन है उसे इंप्रूव करने के लिए उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए तो अगेन ध्यान रखिएगा दिस इज अ सब स्कीम अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ओरिजिनली ये स्कीम 2020-21 में लॉन्च की गई थी इस स्कीम में 2025 तक का टारगेट रखा गया है कि एक लाख करोड़ का बिजनेस हमें लाना पड़ेगा एंड अंडर दैट टारगेट इस योजना को क्रिएट किया गया है इस योजना को बनाया गया है ठीक है चलो गाइस आगे बढ़ते हैं नेशनल मिशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया नाउ लास्ट टाइम मेरी आपके साथ इसके ऊपर बात हुई थी सिकल सेल एनीमिया ये कांसेप्ट क्या होता है एनीमिया का मतलब नॉर्मली है कि आपके बॉडी में जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है रेड ब्लड सेल्स सही तरीके से वर्क नहीं कर पाते ओ2 ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उनकी कम हो जाती है उसे एनीमिया कहते हैं अगर आपका डाइट सही नहीं है उसके वजह से भी आपको एनीमिया हो सकता है अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है वो भी आपके हीमोग्लोबिन लेवल को नीचे ला सकता है इसके अलावा अगर आपके रेड ब्लड सेल्स जो है वो सही नहीं है वो खुद ही उनका शेप चेंज हो गया या वो आ, सही तरीके से क्रिएट नहीं हो रहे है, तो उस सिचुएशन में आपको सिकल सेल एनिमिया होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा है बाय 2047 अमृतकाल ये पूरा अमृतकाल लिया जाएगा

ट्राइबल इनके सिचुएशन को करने के होल गवर्नमेंट मिशन का मतलब होता है यहाँ पे अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहेंगे केवल ट्राइबल मिनिस्ट्री काम करेगी ऐसा नहीं है आप देख सकते हैं जो पीवीटीजी जिस, जिस एरिया से बिलोंग करेंगे वहां पे सेफ हाउसिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एजुकेशन हेल्थ न्यूट्रिशन रोड टेलीकम्युनिकेशन ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाए ताकि जो वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है छोटे तादाद में है डेवलपमेंट uh, अभी तक नहीं पहुंचा है मेन स्ट्रीम में इंक्लूड नहीं हो पाए हैं खुद का रहने के लिए घर नहीं है तो उन सारे चीजों को डेवलप करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है जहां पे पंद्रह हजार करोड़ का बजट गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है चलो गाइज नेक्स्ट स्कीम के तरफ जाते हैं पीएम आवास योजना इसमें ज्यादा नहीं बस इसमें दो पॉइंट मेंशन किए गए कि एक तो इस योजना को एक्सटेंड किया गया टिल 2024 अर्बन अर्बन को टिल 2024 एक्सटेंड किया गया और यहाँ पे बजट एलोकेशन 66 परसेंट से इंक्रीज किया गया 79,000 करोड़ जो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट पॉइंट है 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था बस उसमें एक इंक्रीज की बात यहां पे की गई है रेस्ट ऑफ द थिंग इज ओके के बाकी तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा अ यस ये है भारत भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन श्री इज नेम ऑफ द स्कीम अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे यहां पे श्री का फुल फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन इसमें क्या होगा जो हमारे देश में पुरानी पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं एंशियंट इंस्क्रिप्शन है एंशियंट डॉक्यूमेंट्स है इनको डिजिटल तरीके से सेव किया जाएगा सो वन लैख एंशंट इंस्क्रिप्शन को पहले स्टेज में गवर्नमेंट डिजिटली कन्वर्ट कर रही है अ वेरी गुड स्कीम अ वेरी पॉजिटिव स्कीम अनाउंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे बढ़ते आगे एक और बड़ा बेहतरीन सा स्कीम है जिसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं uh, फंड so, आएगा सो टियर टू टियर थ्री सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए तो यहाँ पे टियर टू टियर थ्री सिटीज वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे बस एक पॉइंट याद रखना टेन करोड़ पर एनम टेन थाउजेंड करोड़ पर ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस फंड के लिए खर्च करने वाली है और जिसका अनाउंसमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया दैट इज न्यूज अगेन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट छोटी सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इस फंड को क्रिएट किया गया हमारे पास ऑलरेडी अमृत नाम की योजना है अटल मिशन फॉर रिज्यूमेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जिसके अंदर हम छोटे सिटीज में बेसिक एम्यूनिटीज को डेवलप करते हैं उसी के लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी वो यहां से फुलफिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने वाला है आगे बढ़ते सॉरी जिया सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करने की यहां पे बात हो रही है सो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिया में क्रिएट किया जाएगा सो टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को uh, के अंदर ये एक्सीलेंस सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका यूज एग्रीकल्चर हेल्थ सस्टेनेबल सिटीज सब जगह कर सके सो so, इसके अराउंड क्वेश्चंस भी बहुत सारे इंटरव्यूज में अभी रिसेंटली पूछे गए इवन इन द एग्जाम्स याद रखिएगा आर्टिफिशियल uh, इंटेलिजेंस का यहां पे फोकस रखा गया है विजन देखिए क्या है? ये किया ऐसा गवर्नमेंट का कहना है नेक्स्ट इज विवाद्वास एंड विवाद से विश्वास टू दोनों को साथ में देख लेते लास्ट टाइम जब विवाद से विश्वास लॉन्च किया गया था तो टैक्स डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए तो विवाद जो चलते हैं टैक्स डिस्प्यूट्स या एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स उसको जल्दी सॉल्व करने के लिए इस की शुरुआत की गई है तो लास्ट टाइम टैक्सेशन के लिए स्टार्ट किया था काफी सक्सेसफुल हुआ अब देखिए दो विवाद से विश्वास है है एक के लिए माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस तो उनके कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी उसे सॉल्व करने के लिए और दूसरा है कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स सो एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स अगर आते हैं तो उन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए जैसे गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट हो गया काम करते हुए गवर्नमेंट कंपनीज के साथ कोई डिस्प्यूट हो गया टेंडर को लेके, तो उनको सॉल्व करने के लिए विवाद से विश्वास टू एंड एमएस के लिए विवाद से विश्वास वन ये लॉन्च किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेज थ्री ऑफ ई कोर्ट ई कोर्ट सिस्टम की बात करें सात हजार अभी हमने आ, कुछ दिनों पहले सुना होगा कि सोवेरियन जो ग्रीन बॉन्ड वाला स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसके थ्रू मार्केट से पैसा बोरो किया। अब, ग्रीन क्रेडिट की बात की जा रही है सो इफ एनी वन मींस एनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एनी कंपनी इफ दे वॉन्ट द लोन तो द न्यू कैटेगरी इज कॉल्ड टेगरी ग्रीन क्रेडिट क्या कैटेगरी तो आपको सपोज मुझे एनवायरमेंट एंगल में कोई चीजों को डेवलप करना होगा मुझे सोलर पैनल्स लगवाने होंगे या मुझे कोई पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए मशीनरीज में चेंजेस करने होंगे मेरे कंपनी के अंदर सो आई कैन गेट अ लोन अंडर दिस कैटेगरी कॉल्ड एज ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम सो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसे क्रिएट करने की बात की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और जिसे अभी रिसेंटली अभी जल्दी इंप्लीमेंट किया जाएगा सो so यहां पे कंपनीज इंडिविजुअल्स लोकल

यस अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स जो हमारे पास होंगे उसको प्रमोट करना पड़ेगा नेचुरल फार्मिंग जो है उसे प्रमोट करने के लिए इसको बनाया गया है सो बेसिकली मदर अर्थ में जो केमिकल uh, का यूज हो रहा था वी नीड टू रेड्यूस दैट इसलिए पीएम प्रणाम की बात गवर्नमेंट ने की हुई है इसके बाद गोबरधन की बात करते हैं। गोबरधन वेरी फेमस स्कीम 2018 में स्कीम को बनाया गया था सो so, गोबरधन में आप फुल फॉर्म देख सकते हो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स इसे गोबरधन हमने नाम दिया हुआ है इसमें हम और 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट क्रिएट करेंगे So, गोवर्धन के अंदर नॉर्मली बायोगैस प्लांट्स हम इंक्लूड करने के ऊपर फोकस देते हैं तो करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात यहां पे की गई है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर गोवर्धन दो में इसे लॉन्च किया गया था देन मिस्ट्री की बात करते हैं मिस्ट्री मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोअरलाइन हैबिटेट एंड टैंजिबल इनकम सो so, जो मैंग्रोव वाला एरिया है शोर लाइन पे मैंग्रोव होते हैं मैंग्रोव आर वेरी गुड प्रोटेक्टर ऑफ आवर शोर लाइन आवर कोस्टल एरिया इवन जो नेचुरल कैलॉमिटीज आती है उनको भी एब्सॉर्व करने के लिए मैंग्रोव का बहुत बड़ा रोल है इसके अलावा मैंग्रोवर्स एज अ कार्बन सिंक जो CO2 है उसे सिंक करने के लिए भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं तो नरेगा और कैंपा फंड की मदद से इसे डेवलप किया जाएगा यह भी पॉइंट मेंशन किया गया है। मृत धरोवर पे आते अमृत धरोवर इज फोकसिंग ऑन द वेटलैंड्स वेटलैंड इंडिया में फिलहाल सेवेंटी फाइव वेटलैंड्स है तो और भी वेटलैंड्स है पर रामसार के अंदर नहीं आती उनको डेवलप करने के लिए उनको और इंक्रीज करने के लिए पॉइंट है वेटलैंड एरियाज आर वेरी बायोडाइवर्स रिच एरियाज अगर उन्हें मेंटेन किया गया और उनकी डायवर्सिटी बढ़ाई गई तो एनवायरमेंटल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी होगा और इसीलिए पॉइंट मेंशन किया गया है पीएम कौशल विकास योजना का फोर्थ फेज है और फोर्थ फेज में ध्यान दीजिएगा इंटरनेशनल स्किल्स की बात की गई है सो नेक्स्ट थ्री इयर्स ये चलेगा तो कोडिंग एआर रोबोटिक्स मैकेनोट्रिक्स आयो इंटरनेट ऑफ थिंग्स थ्री प्रिंटिंग ड्रोन सॉफ्ट स्किल्स इसको डेवलप करने के लिए यहाँ पे बात की गई है तो इसका फोर्थ फेज है पीएम कौशल विकास योजना एंड इंटरनेशनल स्किल्स के एंगल में यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा देन महिला बचत सॉरी uh, सम्मान बचत पत्र अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर द फीमेल और इसकी बहुत तारीफ की जा रही है अब ध्यान इस स्कीम के अंदर ये वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम है महिलाओं के लिए दो साल तक की स्कीम रहेगी दो लाख का अमाउंट आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए दो लाख तक का अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो आइदर बाय फिक्स डिपोजिट आइर बाय रिकरिंग डिपॉजिट

मिनिमम एक हजार से लेके पंद्रह लाख तक का लिमिट था 2004 से स्कीम लॉन्च की गई सीनियर सिटीजन को पैसा उनका सेव करने के लिए अब लिमिट बढ़ा के वहां पे 30 लाख कर दिया एंड दैट द पॉइंट दैट द सिनारियो सो गाइस ये थे कुछ स्कीम्स अंडर यूनियन बजट 2324 जिसके बारे में हमने इस सेशन में देखा शॉर्ट में हमने कवर किया हम इसी तरीके से बाकी भी अलग अलग फील्ड्स जो एग्रीकल्चर है या फिर बाकी इंडस्ट्रीज है उसके लिए क्या क्या मेंशन किया गया उसके बारे में शॉर्ट वीडियोज में आपके साथ बात करेंगे नेक्स्ट सेशन तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सेफ रहिए सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा बाय